आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। यूपी में विधानसभा चुनाव के चलते चुनाव आयोग भले ही सख्त हो, लेकिन सुल्तानपुर में आयोग का निर्देश शून्य बराबर दिख रहा है। यहां सूबे की सरकार की योजना समाजवादी एम्बुलेंस पर लोहिया बस सेवाएं धड़ल्ले से सड़कों पर तोड़ रही हैं, तो वहीं ऐसे में अधिकारी इनको नजरअंदाज करे हुए हैं, तो वहीं अब कार्रवाई की बात को कहा जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आचार संहिता लागू हो गई है और उसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर होर्डिंग बैनर साज सब हटा दिए गए हैं और पूरे जिले में सभी SDM और जिले स्तर पर पुलिस के अधिकारी और ADM हम सभी लोग मिलकर के आचार संहिता का अनुपालन, अब आगे कोई भी अगर बैनर पोस्टर लगाए जाएंगे तो अनुमति लेकर के लगाए जा सकेंगे, सभाएं होंगी। 144 लागू है, उसकी परमिशन की बात हो पाएंगी। वो जितने भी प्रचार कार्य के प्रचार से जुड़े हुए सामग्री हैं वो सभी हटाए जाएंगे। बुलंदशहर में आचार संहिता लागू होने के बाद भी कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर का स्वागत करना भाजपा कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। इसके चलते पुलिस ने 2 भाजपा कार्यकर्ताओं पर धारा 144 और आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया है, तो वहीं सांसद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये 4 जनवरी से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गए हैं और इसके बाद में किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बगैर अनुमति के अगर NCC का उल्लंघन किया जाएगा तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह का एक पार्टी के खिलाफ प्रजानगर में हुआ है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई है नियमानुसार की जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन कराने में जुटी अलीगढ़ पुलिस ने तस्वीर महल चौराहे पर चेकिंग अभियान को चलाया, तो वहीं इसमें बसपा प्रत्याशी गाड़ी से पुलिस ने 2 हथियार बरामद किए, तो वहीं अन्य राजनीतिक दलों के वाहनों से पुलिस ने काली फिल्मों को उतरवाकर झंडे स्टिकर होटरों को उतारा, तो वहीं इस मौके पर दर्जनों वाहन भी सीज किए गए। किसी भी पार्टी के लिए, चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, किसी भी पार्टी के लिए सबसे समान व्यवहार किया जाएगा और समान रूप से जो भी आचार संहिता के उल्लंघन में जो प्रचलित कानून है उनके उल्लंघन के दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है? कार्रवाई कराई जा रही, बहुत सारी गाड़ियाँ चालान की गई हैं और कार्रवाई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए लोगों को सुरक्षा का भाव दिलाने के लिए नगर में फ्लैग मार्च को निकाला गया, तो वहीं इस फ्लैग मार्च में पुलिस कर्मियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स शामिल थी। इसका उद्देश्य निष्पक्ष चुनाव के लिए भय समाप्त कर लोगों में सुरक्षा का आभास कराना था। लोग जितने भी बन रहे हैं या जिनके पास भी है उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे और अरेस्टिंग कर रहे हैं, पूरी चेकिंग कराएंगे और जहाँ पर भी पूर्व में अवैध असलाह की फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई उनके यहाँ सब जगह दबिशें पड़ेगी और अवैध असलाह अधिक से अधिक बरामद किया जाएगा। शाहजहांपुर के जलालाबाद के कानून गोवान में दबंग द्वारा बीते 2 साल से युवती पर शादी का दबाव बनाने के चलते जब परिजनों ने इसका विरोध किया तब दबंगों ने परिवार के युवक को घेर कर चाकुओं से घुसकर उसकी हत्या कर दी, तो वहीं अपने भाई को बचाने आया युवक इसमें घायल हो गया। अब पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू की है, तो वहीं परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। संभल के बैजोई में डॉक्टर दिलीप पाशने के घर पर हथियारबंद बदमाशों ने नौकरों को गनपॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसमें पुलिस ने मामले में पड़ताल करते हुए 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, तो साथ ही उनके पास से 20 सोने की अंगूठी, 3 तोले का हार और लूटी हुई बंदूक बरामद कर ली गई है। चोरी को तो अभी डॉक्टर साहब आएंगे तो पता चलेगा, ये सामान तो जो जेवर और सब बंदूक भी मौके पर मिली है, जो उनका सोफा है उसमें बंदूक मिली हुई है और डॉक्टर साहब के आने से पता चलेगा कि चोरी हुई, कितनी चोरी हुई है, क्या हुआ है और ये जो लड़के हैं ये भी संदिग्ध हैं। मोगा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रमेश ग्रोवर के दफ्तर का उद्घाटन फरीदकोट सांसद प्रोफेसर साधु सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर साधु सिंह ने रमेश ग्रोवर का जनता से साथ देने की अपील की, तो वहीं उनके लिए वोट भी मांगे। आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कौन सी पार्टी है जिस पर आरोप नहीं लगते, कौन सी पार्टी है जिसमें ये आरोप नहीं लगते, कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसी बात नहीं होती। आम आदमी पार्टी क्योंकि एक टारगेट बन चुकी है जो हिंदुस्तान में राज कर रही है, ऊपरली कारपोरेट वर्ल्ड है जो उनका प्रधानमंत्री, उनके नीचे स्टेटों में मुख्यमंत्री, वो कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इल्जाम लगाई जाएं और आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दें ताकि ये अपने मकसद में पूरे ना हो। आप देख
देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।